हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच ड्रीम्स विद पूनम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक, वो है कोकोपीट के बारे में। बहुत लोग नहीं जानते कि कोकोपीट क्या होता है और इसका क्या क्या यूज होता है। जब तक गार्डनिंग मेरा पैशन नहीं बना था, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन पिछले कई सालों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और जिसके मुझे ढेर सारे फायदे हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोकोपीट जो होता है, बेसिकली ये कोकोनट से बनता है। कोकोनट का वो हिस्सा जिसे हम बेकार फेंकते हैं, जो हमारे यूज़ का नहीं होता, हमारे प्लांट्स के लिए बेहद बेनिफिशियल होता है, इसी से ये कोकोपीट बनता है। कोकोनट के इस तरह के हेयर को मशीन में ग्राइंड करके उसे कंप्रेस करके इस तरह का ब्लॉक हमें मिलता है। ये ब्लॉक मैंने लोकल नर्सरी से लिया, जो मुझे 250 का पड़ा। ये 10 केजी का ब्लॉक है। इस तरह का ब्लॉक आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हमें इसका क्या बेनिफिट है, हम इसका यूज़ क्यों करें। तो चलिए ये बता देती हूँ। शेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हैंगिंग बास्केट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम हैंगिंग बास्केट में डायरेक्ट अपने गार्डन सोइल का यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो हैंगिंग बास्केट होती है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, जबकि अपने आप में ये बहुत हल्की होती है। ये बहुत मॉइस्ट होती है, पानी को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकती है। इसी की वजह से अपनी हैंगिंग बास्केट में हमें ज़्यादा पानी देने की कोई नीड नहीं होती है। नॉर्मल प्लांट के पॉटिंग मिक्स में भी इसका यूज़ होता है। जो बोनजाई सोयल होती है, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। कोकोपीट अपने आप में बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से रूट सिस्टम इसके अंदर बहुत जल्दी और आसानी से डेवलप हो जाता है। प्लांट्स को अपनी रूट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अब आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मैं इसका छोटा सा पार्ट यूज़ करूंगी, जितने की मुझे अभी नीड है। बाकी को उठा के रख दूंगी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। फंगस लगने का कोई डर इसके अंदर नहीं होता। तो बस मैं इसका इतना ही पार्ट निकालूंगी, जितना फ़िलहाल मुझे यूज़ करना है। आप उतना पार्ट निकाल लीजिए जितना आपको यूज़ करना है, बाकी आप उठा के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। कोई भी बर्तन जो आपके पास हो आप ले सकते हैं, ट्रे, टब, और जितना पार्ट आपको यूज़ करना है वो सब इसमें डाल के छोड़ दीजिए। अब पानी लीजिए और जितना कोकोपीट लिया है उसका लगभग 3 गुना पानी इसमें डाल के छोड़ दीजिए। अच्छे से भिगो दीजिए इसे। ये काफी हद तक अपने अंदर पानी स्टोर कर लेगा और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो जाता है। थोड़ी देर के बाद, लगभग आधा घंटा भीगने के बाद, ये कुछ ऐसा हो जाता है। अभी से और पानी की जरूरत है तो इसमें थोड़ा और पानी डाल के छोड़ देते हैं। लगभग 1 घंटा हमारी कोकोपीट को भीगे हुए हो गया है। अभी भी ये अंदर से थोड़ा थोड़ा ड्राई है, इसे लगभग 15 मिनट के अराउंड और छोड़ना पड़ेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देते हैं। पंद्रह मिनट बाद इसे फिर से चेक करेंगे, तब तक इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे कोकोपीट को भीगे हुए 90 मिनट के अराउंड हो गए हैं और अब ये बिल्कुल रेडी है। अपने प्लांट्स के लिए हमें इस तरह की कोकोपीट की नीड होती है। इसे घर पे भी बनाया जा सकता है। घर ही से कैसे बनाते हैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में जरूर आपसे शेयर करूंगी। नॉर्मल प्लांट में इसका रेशो 20-30% रखा जा सकता है, जबकि बास्केट में इसे हम 50% यूज करते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।